यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे हरिः ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव जद्वद्रन्तन्न आसुव ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वाष्टशान्ति शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं भयहरं सर्वलोकैकनाथम् ॐ सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुं विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदम् विश्वतः परमा नित्यं विश्वं नारायणगुं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति ॐ गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम् गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम् नारायण प्रिय मदंग मदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् विश्व शांति प्रार्थना। पृथ्वी पर सफेद रोशनी यानी दिव्य शक्ति आ रही है। पृथ्वी से सुनहरी रोशनी यानी कि चेतना उभर रही है। विश्व से सारी नकारात्मकता दूर हो रही है। सभी प्रेम आनंद और शांति के लिए खिल रहे हैं। ये भाव रखते हुए विश्व शांति के लिए सारे लोग एक साथ प्रार्थना करें तो पूरे विश्व की चेतना बढ़ेगी। विश्व के सारे लोग करें जो साथ में मिलकर प्रार्थना सबका मंगल होगा तब
विश्वम भवति एक नीडम, अर्थात समस्त विश्व एक घोंसला है और हम सब उसी घोंसले के पंछी हैं। एक कैसा विलक्षण जीवन मंत्र, कैसी विशाल भावना जिसमें विश्व की कई समस्याओं का समाधान है। एक व्यक्ति के जीवन की भव्य जागृति समग्र राष्ट्र के भाग्य को बदल सकती है, समस्त मानव जाति के भाग्य को भी।